आई एम रवीना फ्रॉम गुरुग्राम. सो आज हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, इनोवेटिव आइडिया देने आए हैं, राइट? तो मेरा इनोवेटिव आइडिया है हेयर ग्रोथ ऑयल. सो माय प्रोडक्ट नेम इज़ सुपर ग्रोथ हेयर ऑयल. तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है मेरे, क्योंकि ऑयल है तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत मिलेंगे. तो मैंने सोचा अगर मैं उनका रिव्यूज़ जाके देखूँगी, मतलब तो रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे बेसिकली. तो फिर मैंने सोचा अब मैं ऑयल बना रही हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर्स है तो मेरा ऑयल कैसे बिकेगा मार्केट में. तो मैंने सोचा जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो ब्रांड के ऑयल यूज़ करते हैं, तो फिर मतलब उन जो वो ब्रांड के ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको मतलब कुछ उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, या फिर वो एवं खाली ब्रांड के लिए उसका ऑयल यूज़ कर रहा है, या फिर होता है कि ब्रांड का सिर्फ नाम बोलता है. तो मैंने उनसे पूछा तो उनने कहा, आधों ने कहा कि हाँ मतलब रिजल्ट मिल रहा है, आधों ने कहा कि नहीं मिल रहा, और आधे कहते कि ब्रांड बोलती है. तो फिर उसको मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैंने देखा, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें ठीक है क्या, मतलब उसमें रिजल्ट क्या नहीं मिल रहा तुम्हें. तो उनने कहा कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो फिर और फिर मतलब लॉन्ग हेयर भी चाहिए उनको. और मैंने कहा ठीक है. तो इन सब चीज़ों को देख के मैंने अपना जो एक ऑयल बनाया है उसमें ना ही मतलब उससे ना ही डैंड्रफ होता है, ना ही हेयर फॉल होता है, और मतलब काफ़ी लॉन्ग हेयर ग्रोथ भी होती है. अब मैं जो टारगेट ऑडियंस है उसको देखना चाहूँगी. जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो है फीमेल, मेल और चिल्ड्रंस भी, क्योंकि ये कोई हार्मफुल प्रोडक्ट तो है नहीं जो मैं इसमें कुछ हार्मफुल मटेरियल यूज़ कर रही हूँ जो इफ़ेक्ट करेगा. तो मैंने ऐसा एक ऑयल बनाया है जिसमें नेचुरल चीज़ है, जैसे कि वेजिटेबल, बादाम, तिल, जैसे आंवला, इन सब से मिलाकर मैंने एक ऑयल बनाया है जो किसी भी जनरेशन के लिए, तीनों जनरेशन के लिए हार्मफुल नहीं है. सो जो मेरी मार्केट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैंने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन देखी कि वो क्या चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि मतलब उनको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट में क्वालिटी मिले, रीजनेबल प्राइस पे मिले, क्योंकि बहुत जो ब्रांड्स के ऑयल है उनके प्राइस बहुत हाई होते हैं जो कोई भी बाय नहीं कर पाता नॉर्मल इंसान. और जैसे लुकिंग अट्रैक्टिव दिखना, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की. तो इन सब के अकॉर्डिंग उनको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हेयर फॉल, स्ट्रेस, डीमोटिवेट, बहुत कुछ होता है इनसे भी ज़्यादा. तो हम इन चीज़ों को देख के मतलब उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. डाइट भी मैटर करती है, जो केमिकल ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि कुछ दिन बाद मतलब कुछ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और कुछ दिन बाद दूसरी ब्रांड का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं. तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बदल बदल के शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो उससे भी हमारा हेयर फॉल होता है और काफ़ी डैंड्रफ आता है. तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर तुम एक शैम्पू यूज़ करोगे ना, तो उससे मतलब ना ही हेयर फॉल होगा और मतलब डैंड्रफ भी कम होगा, लेकिन एक पे रहना चाहिए, मतलब बदल बदल के यूज़ नहीं करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. तो और इससे भी मतलब स्ट्रेस रिड्यूस करो, मतलब अगर तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ का भी प्रेशर ले रहे हो माइंड पे, तो उससे भी हमारा हेयर फॉल होता है. तो मतलब अपना सब कुछ ऐसे बैलेंस करके चलो, ऐसे मेंटेन करके चलो जिससे तुम्हारा ना ही स्ट्रेस हो, ना ही मतलब कुछ भी ना हो हेयर, उससे मतलब तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. हेयर फॉल नहीं होंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, तो बॉडी सही रहेगी तो ऑब्वियसली मतलब ना ही हेयर फॉल होगा ही नहीं, और काफ़ी मतलब हेल्थ भी सही रहेगी और तुम्हारे मतलब हेयर फॉल जो भी है, डैंड्रफ और हेयर ग्रोथ भी होगी. तो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? सोशल इम्पैक्ट है इसका कि मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू हेयर को थिकनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, सॉफ्ट, रिड्यूस हेयर फॉल हो, और मॉइस्चराइजर. कई बार तो ऐसा होता है कि 2 या 3 डेज के बाद वो आने लग जाता है, तेल आने लग जाता है सिर में, मतलब वो हेयर वॉश करने के बाद. लेकिन मेरा ऑयल ऐसा है कि अगर तुम यूज़ करोगे तो उससे ना ही मतलब 2 या 3 डेज के बाद वो नहीं आएगा, तेल आ जाता है सिर में, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया और खुद अप्लाई भी किया है मेरे पर्सनल रिसर्च से. तो मेरा विज़न ये है टू प्रोवाइड नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव सोल्यूशन. दैट मीन्स मैं अपने प्रोडक्ट को हर एक प्लेस पे
मतलब हर एक प्लेस पे प्रोवाइड करूँ, चाहे वो गांव हो चाहे शहर, लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट नेचुरली सबको प्रोवाइड करना है, जिसमें कोई हार्मफुल मटेरियल प्रोवाइड ना हो, मतलब उसमें इंक्लूड ना हो। है क्या? क्या उसमें आप यूज़ करने वाले कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और आप खुद भी कॉन्ट्राडिक्ट वहाँ भी आप कर रहे हो कि अगर आप हेल्दी खाओगे तो हेयर फॉल होगा ही नहीं, डैंड्रफ होगा ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम आपका प्रोडक्ट ले ही क्यों? जो ये वेजिटेबल और जो ये जो भी है बादाम वगैरह, इन सबको मिला के मैं अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, किसी को हार्मफुल नहीं करता। हम वैसे भी खाते हैं बादाम वगैरह, तो वो कोई हार्मफुल नहीं हमारे लिए। और मैं उस मतलब इस चीज़ से हम मैम इसका ऑयल ये सब मिक्स करके मैं एक ऑयल बना रही हूँ, सुपर हेयर सुपर ग्रोथ हो रहा है। आपने वेजिटेबल लिखा है, कौन सी वेजिटेबल, कितने क्वांटिटी में वेजिटेबल? दैट मींस मतलब वो जो आता है ना सरसों का तेल, सरसों जो होती है, मतलब सरसों भी यूज कर रही हूँ उसमें। सर मतलब मैं जब खुद यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसकी क्वांटिटी भी मैं जैसे जो सरसों का है उसको मतलब थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, और जो जैसे बादाम वगैरह है इन सब का है इनको थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड चल रहा है। हाँ बट मैम उसका नेचुरली मतलब बहुत अच्छा वो है, उसका इम्पैक्ट वो है मैम। तभी तो मैम अभी मैंने हेयर अच्छा है, लेकिन उसको पूरा रिसर्च कीजिए, एक प्रमोशन बनाइए, सो देट कि मार्केट में आप लॉन्च करने जाओ तो एटलीस्ट वो ये तो बोले कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ या मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ, उसका क्या बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। लाइक आप शैम्पू भी यूज करते हैं, अगर हेयर फॉल का है तो उसमें हेयर फॉल के जो ज्यादा इंग्रीडियंट्स होंगे वो उसमें मेंशन होंगे, तो आप क्या और कैसे मेंशन करोगे उसकी क्लैरिटी लेकर आएंगे कि अच्छा है। आई थिंक आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी मैम, बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच।